सभी को गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज का अपना सेशन रहेगा 14 अप्रैल 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स की। तो आज का अपन आज आज की अपन की क्लास रहेगी जो रिवीजन क्लास है वो रहेगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। 4 से 7 अप्रैल 2024 को क्रेडाइरियल एस्टेट एक्सपो का आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? तो वो आयोजन किया जा रहा है इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर है वो आयोजन किया जा रहा है 4 से 7 अप्रैल 2024 को क्रेडाई के रियल एस्टेट एक्सपो का आयोजन है वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर है वो आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान खेल इंडिया खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन अपन को बताना है। तो किसका संबंध इस खेल से नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है दीपक हुड्डा क्रिकेटर से है और दीपेंद्र सिंह शेखावत है इनका संबंध निशानेबाजी से है, विजय सिंह कुमार कुंतल है इनका पैरा निशानेबाजी से है, जो उदित मिश्रा है इनका संबंध कबड्डी से नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उदित मिश्रा, इसका संबंध है सिक्वेंस से खेल से संबंध है इनका। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है सही नहीं है? तो चलिए, जो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना थी इसके संबंध में अपन को असत्य कथन है जो जो ऑप्शन सी नहीं है वो बताना है अपन को। तो योजना का प्रारंभ है ये 2013 से 2014 में हुआ था, ये भी सही है। और नोडल विभाग विशेष योग्यजन जो निदेशालय है वो भी सही है और ऑप्शन सी है। इस योजना में विशेष योग्यजन को 5 लाख रुपए तक का ऋण है वो देने की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। और ऋण उन विशेष योग्यजनों को दिया जाता है जिनका स्वयं व परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम हो। तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये 5 लाख रुपए तक से कम है इनको उनको नहीं, ये 2 लाख रुपए तक है ना, 2 लाख रुपए तक जिनके आय है उनको ऋण देने की, जो वार्षिक आय जिनके 2 लाख रुपए तक है इनको ऋण देने की घोषणा की गई है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ग्लोबल JSWU इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया है? जो हाल ही के अंदर ग्लोबल JSW इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया है वो किसको नवाजा गया है? तो ऑप्शन है डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को, शेर मोहम्मद को और मनोज आचार्य को और डॉक्टर हरिदास व्यास को। तो किसको नवाजा गया है? तो वो नवाजा गया अपना करेक्ट आंसर होगा सी, जो मनोज आचार्य हैं इनको जो ग्लोबल JSW इंटरनेशनल बुक अवार्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणा व शून्य की परिभाषा को बदलने का दावा करते हुए किसका शोध पत्र इंग्लैंड के रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुआ है? जो गुणा व शून्य की परिभाषा को बदलने के लिए जो बदलने का दावा करते हुए किसका शोध पत्र इंग्लैंड में रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुआ है? तो ये किसका शोध है, शोध पत्र इंग्लैंड के अंदर जो रिसर्च हुआ है? तो वो है मोहित गौड़, ऑप्शन है इसमें मोहित गौड़, ललित कुमार, आशीष गुलिया और अर्जुन लाल जाट। तो ये जो मोहित गौड़ है इनको इनका जो शोध पत्र है वो रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुआ है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत होम वोटिंग के लिए 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कितने रिकॉर्ड पंजीयन हुए हैं? जो लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर होंगे उसके तहत होम वोटिंग के लिए जो 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कितने जो रिकॉर्ड पंजीयन हुए हैं तो ऑप्शन है 17,682 और 36,558 और 58,954 और 76,634। तो इसमें जो रिकॉर्ड पंजीयन हुए हैं वो हुए हैं 76,636। जो लोकसभा चुनाव है इन्हीं के द्वारा दो अभियान चलाए गए थे, एक तो होम वोटिंग
वोटिंग चलाया गया था वो किसके लिए था, तो वो जो होम वोटिंग चलाया गया वो मतदाता मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चलाया गया। और इसमें जो बुजुर्ग लोग हैं 85 से अधिक के जो लोग हैं 85 वर्ष से अधिक के उनके लिए जो ये होम वोटिंग है वो चलाया गया। और दूसरा है जो 40% से जो विकलांग है 40% से ज़्यादा जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए ये मतदान वोटिंग जो होम वोटिंग अभियान है वो चलाया गया है। ठीक है, और निम्न में से असत्य कथन बताना है अपन को। तो आचार्य श्री तुलसी जी का जन्म वर्ष 1914 में हुआ था। और दूसरा ऑप्शन है आचार्य तुलसी ने वर्ष 1949 में अणुवर्त आंदोलन प्रारंभ किया था। ये कहाँ किया गया था, जो आचार्य तुलसी ने वर्ष 1949 में अणुवर्त आंदोलन का प्रारंभ है ये कहाँ से किया, तो ये किया सरदार सर से। सरदार शहर से किया था। और आचार्य तुलसी ने सुजानगढ़ में मर्यादा महोत्सव का आयोजन है ये कब किया गया था, तो आचार्य तुलसी ने सुजानगढ़ में मर्यादा महोत्सव का आयोजन भी करवाया था। तो ये आयोजन कब करवाया, फटाफट से आप कमेंट में बताओ कि ये आयोजन है वो कब करवाया गया। तो ये आयोजन करवाया गया 1994 के अंदर, 1994 में आचार्य तुलसी ने सुजानगढ़ में मर्यादा महोत्सव का आयोजन है वो करवाया था। और 13 पंथ संप्रदाय के प्रथम आचार्य बने, तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, क्योंकि 13 पंथ संप्रदाय के प्रथम आचार्य भिक्षु थे, तुलसी नहीं थे, भिक्षु जी थे, भिक्षु जी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से असत्य कथन बताना है अपन को। तो सास बहू का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है, तो अपना जो और यह मंदिर 995 ईस्वी में बनाया गया था। और इसमें दो मंदिर बने हुए हैं, और छोटा मंदिर बहू का मंदिर कहलाता है, और जिसमें पंचायतन शैली में बनाया गया है। उसमें बड़ा मंदिर है वो सास का मंदिर कहलाता है। जो सास बहू का मंदिर है ये कैलाशपुरी के अंदर नहीं है, ये है नागदा के अंदर, नागदा उदयपुर के अंदर है। जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है चौतारा कमायचा कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हैं। तो ये आपको बताना है कि चौतारा और कमायचा जो है वो कौन से लोक वाद्य यंत्र से यंत्र लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हैं। तो ये किससे जुड़े हैं, तो इसमें ऑप्शन है तत्वादे वनवादे अवनदवादे और सुशीर वादे। तो ये जुड़े हैं तत्वादे से, ये जुड़े हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य व दुर्लभ साहित्यों का अप्रीतम खजाना स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है। तो इसमें ऑप्शन है लारनू नागौर भीनमाल जालौर और फतेहपुर सीकर और शाहपुरा भीलवाड़ा। तो ये खजाना स्थित है फतेहपुर सीकर के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश के सी पुलिया फाउंडेशन ने किसे नेशनल सेवा रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये किसे सम्मानित किया गया है, इसमें ऑप्शन है डॉक्टर कीर्ति भारती सिद्धि जोहरी नीरू यादव और रुमा देवी। तो किनको जो सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर कीर्ति भारती को सम्मानित किया गया आंध्र प्रदेश के सी पुलिया फाउंडेशन में, इनको नेशनल सेवा रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस शहर को 79.23% हिस्सा हीट सेंटर बेहद गर्म क्षेत्र में बदल रहा है। तो वो कौन सा जिला है जो हीट सेंटर में बदल रहा है, तो इसमें ऑप्शन है चूरू बीकानेर जैसलमेर और जयपुर। तो जयपुर है वो अब हीट सेंटर में बदल रहा है और बेहद ही गर्म क्षेत्र में ये जयपुर जो शहर है वो बदल रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट किस जिले में लगाया जा रहा है। तो एशिया का सबसे बड़ा तीसरा जो
तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट है वो किस जिले में लगाया जा रहा है? तो इसमें ऑप्शन है जैसलमेर और भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। तो किस जिले में लगाया जा रहा है? तो फटाफट से इसका आंसर आप दोगे कमेंट में कि ये किस जिले में लगाया जा रहा है। आंसर है वो हो जाएगा भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा के अंदर है, जो एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट है वो भीलवाड़ा के अंदर लगाया जा रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ कोरिया में ब्लड कैंसर पर बेस्ट प्रेजिडेंशियल अवार्ड किसे मिला है? जो साउथ कोरिया के अंदर ब्लड कैंसर पर बेस्ट प्रेजिडेंस का अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो इसमें ऑप्शन है भावना मीणा, प्रीति, डॉक्टर प्रीति और सीमा अरोड़ा और ज्योति दुबे। तो ये जो ब्लड कैंसर पर बेस्ट प्रेजिडेंस का अवार्ड है ये दिया गया है प्रीति, डॉक्टर प्रीति को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ कोरिया में आयोजित 25वें वर्ल्ड स्काउट जुम्बेरी में शामिल हुए किस स्काउट को केंद्र सरकार द्वारा ब्रॉन्ज पेन से सम्मानित है वो किया गया है? तो ये सम्मानित किसे किया गया ब्रॉन्ज पेन से? तो इसमें ऑप्शन है जितेंद्र शर्मा, अभिषेक विजयवर्गीय, शुभम शर्मा। तो ये जो सम्मानित किया गया है तो ये सम्मानित किया गया अभिषेक विजयवर्गीय को और शुभम शर्मा को, इन दोनों को किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 100% मतदान के लिए 7 से 14 अप्रैल 2024 तक किस अभियान को चलाया जा रहा है? जो राजस्थान के अंदर निर्वाचन आयोग द्वारा जो 100% मतदान के लिए 7 अप्रैल से 14 अप्रैल 2024 तक किस अभियान को चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है, ऑप्शन है इसमें, आओ बूथ चले अभियान, और आओ सभी मिलकर करें मतदान, और अपना वोट अपना अधिकार, और वोट फ्रॉम होम। तो ये जो बूथ है ये चलाया जा रहा है अभियान, आओ बूथ चले अभियान है वो चलाया जा रहा है, 7 से 14 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऐसे कथन बताना है अपन को। तो नवरात्र वर्ष में 4 बार आते हैं, ये भी सही है, और 2 शक्तिपीठ नवरात्रे होते हैं और 2 देवियों को समर्पित होते हैं, ये भी ऑप्शन सही है, और 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 तांत्रिकों को समर्पित होते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। तो अपना जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, क्योंकि बसंत ये जो नवरात्रे होते हैं वो आश्विन शुक्ल को नहीं आते, ये आते हैं चैत्र शुक्ल को, चैत्र शुक्ल एकम से, और चैत्र शुक्ल नवमी तक ये नवरात्रि हैं वो आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थंबे की छतरी कहाँ स्थित है? अपन को बताना है कि एक थंबा छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसमें ऑप्शन है जोधपुर, डूंगरपुर और रणथंबोर और बीकानेर। तो ये कहाँ पर स्थित है एक थंबे की छतरी? तो ये स्थित है रणथंबोर के अंदर है वो स्थित है, रणथंबोर सवाईमाधोपुर के अंदर एक थंबे की छतरी स्थित है। और आपसे पूछा, ये भी पूछा जा सकता है कि एक थंबा महल है वो कहाँ पर स्थित है? तो एक थंबा महल जोधपुर के अंदर स्थित है, और एक थंबिया महल है वो स्थित है डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में 2019 से 19 के पश्चात राजस्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है वो कौन सा है? जो राजस्व की दृष्टि से 2019 के पश्चात जो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है वो कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर, डीडवाना, कुचामन और जसवंत पशु मेला भरतपुर, गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ और मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है अपना, जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, जसवंत पशु मेला भरतपुर है। ये अभी 2019 के पश्चात जो राजस्व की दृष्टि से है वो सब
राजस्व की दृष्टि से है वो सबसे बड़ा पशु मेला है, वो बन गया है। और 2019 से पहले कौन सा था राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जो पशु मेला था वो? तो वो था वीर तेजाजी पशु मेला है, वो राजस्व की दृष्टि से 2019 से पहले था, ठीक है। और 2019 के बाद अब जसवंत पशु मेला भरतपुर है वो बन गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? जो जमीन का जेवर है वो किस दुर्ग को कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है मेरांगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, और जूनागढ़ दुर्ग और सोनारगढ़ दुर्ग। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, जूनागढ़ दुर्ग है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर है और ये जो जमीन का जेवर है इस दुर्ग को कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रथम पीठ सलेमाबाद अजमेर के संस्थापक है वो कौन है? जो निम्बार्क संप्रदाय है इनके प्रथम पीठ सलेमाबाद में स्थापित की गई है और इनके संस्थापक हैं वो कौन है? तो इसमें ऑप्शन है रामचंद्र जी, निम्बार्काचार्य जी और लालदास जी और परशुराम जी। तो इसके जो संस्थापक हैं निम्बार्क संप्रदाय के तो ये हो जाएंगे परशुराम जी, इनके निम्बार्क संप्रदाय के जो संस्थापक हो जाएंगे। और निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हो जाएंगे निम्बार्काचार्य। और अब जो सलेमाबाद है इनका नाम, नया नाम क्या कर दिया गया है? तो निम्बार्क नगरी है वो सलेमाबाद का नया नाम कर दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है, 5 से 19 अप्रैल 2024 तक मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जो 5 से 19 अप्रैल 2024 तक मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? तो इसमें ऑप्शन है तिलवाड़ा बलोतरा में, और तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर, मेड़ता सिटी नागौर, और दिलवाड़ा सिरोही। तो इसका जो मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन है 5 से 19 अप्रैल तक, तो ये किया जा रहा है तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर है वो किया जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष क्रिकेटर प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष क्रिकेटर प्रतियोगिता में जो खिताब जीतने वाली राजस्थान की यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन है जेजेटी यूनिवर्सिटी, चुड़ैला झुंझुनू, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जेजेटी यूनिवर्सिटी, जेजेटी यूनिवर्सिटी चुड़ैला झुंझुनू, इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट 2018 से 22 तक के अनुसार राजस्थान में तेंदुओं की संख्या है वो कितनी कर दी गई है? तो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो जारी रिपोर्ट की गई थी 2018 और 22 के अंदर, तो इसमें इसके अनुसार जो राजस्थान में तेंदुओं की संख्या है वो अभी वर्तमान में कितनी हो गई है? तो इसमें जो ऑप्शन है 245, 277, 721 और 1001। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। तो इसमें 721 जो तेंदुओं की संख्या वर्तमान में हो गई है, और पहले थी 476 तेंदुओं की संख्या है वो थी, अब 476 से बढ़कर 721 हो गई है, ठीक है। और नेक्स्ट है, राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्टता केंद्र और अनार उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? जो राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्टता केंद्र और अनार उत्कृष्ट केंद्र है वो स्थापित कहाँ किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है देवाड़वास टोंक और जैसलमेर और बस्सी जयपुर और खेमरी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बस्सी जयपुर, ठीक है। और देवाड़ावास है यहाँ पर अमरूद उत्कृष्ट केंद्र है वो स्थापित किया गया है, जैसलमेर के अंदर खजूर उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया गया है, और खेमरी धौलपुर है यहाँ पर जो जैतून आंवला और आम का जो उत्कृष्ट केंद्र है वो स्थापित किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिला प्रशासन के द्वारा मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए ऊंट रैली निकाली गई है? जो जिला प्रशासन के द्वारा मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति जो जागरूक करने के लिए ऊंट रैली है वो किस जिले के अंदर निकाली गई है? तो इसमें ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और चूरू। तो ये बीकानेर के अंदर जो ऊंट पर रैली है वो निकाली गई है लोकसभा मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठमांडू में आयोजन काठमांडू
काठमांडू में होने वाला नेपाल साहित्य महोत्सव में किस पशुपति प्रज्ञा सम्मान से अलंकृत किया जाएगा? जो काठमांडू में होने वाला नेपाल साहित्य महोत्सव है, इसमें जो पशुपति प्रज्ञा सम्मान से अलंकृत है वो किसे किया जाएगा? तो इसमें ऑप्शन है डॉक्टर इंदिरा चतुर्वेदी, डॉक्टर मधु मुकुल और डॉक्टर गोवर्धन दत्तपुरी। तो ये किनको किया जाएगा? तो ये किया जाएगा डॉक्टर इंदिरा चतुर्वेदी और डॉक्टर मधु मुकुल, इन दोनों को किया जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर है वो जाएगा डी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल भूजल योजना के अंतर्गत नेशनल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की रैंकिंग में देश के टॉप 10 जिलों में पहला जिला कौन सा बना है? जो अटल भूजल योजना है इसके अंतर्गत नेशनल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की रैंकिंग में देश के टॉप 10 जिलों में पहला जिला है वो कौन सा बना है? तो इसमें ऑप्शन है बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और बूंदी, जयपुर। तो इसमें जो टॉप 10 जिलों में आया है वो है भीलवाड़ा, फर्स्ट स्थान पे रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर खोलकर किस कला को प्रोत्साहन दे रहा है? जो राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर खोलकर किस कला को प्रोत्साहन है वो करा है? तो इसमें ऑप्शन है छपाई, लाका काम, गलीचे बदरिया और उस्ता कला। तो ये जो उस्ता कला को है, उस्ता कला को प्रोत्साहन है वो करा, और लाख का काम है ये जयपुर के अंदर होता है, और लाख का काम तो जयपुर के अंदर होता है, और लाख की पोटरी है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है, गलीचे बदरिया है ये जयपुर व टोंक के प्रसिद्ध हैं, और उस्ता कला है ये बीकानेर की प्रसिद्ध है, और छपाई है, छपाई करने वाले जो व्यक्ति हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये छिम्पे कहलाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सत्य कथन बताना है अपन को कि सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है बादला, बीकानेर, मसूरिया साड़ी, कोटा, संगमरमर पर नकाशी, भीलवाड़ा और नंदा बूंदी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, जो मसूरिया साड़ी कोटा कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मुन्ना लाल गोयल का संबंध किस कला से है? जो मुन्ना लाल गोयल है इनका संबंध किस कला से है? तो इनका संबंध है सांगानेरी प्रिंट से, इनका संबंध है सांगानेर जो जयपुर की ये प्रसिद्ध प्रिंट है। ठीक है, और नेक्स्ट है दाबू प्रिंट है वो प्रसिद्ध कहाँ की है? तो इसमें ऑप्शन है बालोतरा, सांगानेर, जायल और अकोला। तो ये जो दाबू प्रिंट है ये प्रसिद्ध है अकोला चित्तौड़ की प्रसिद्ध है ये। ठीक है, और नेक्स्ट है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस पक्षी के संरक्षण हेतु दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है? तो जो कौन सा पक्षी है उस पे जो सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने पक्षी संरक्षण हेतु दायर याचिका सुनाई की है। तो ये है ऑप्शन है इसमें गोडावण, नीलकंठ और पन्ना कबूतर और काला तीतर। तो इसमें जो दायर याचिका की सुनवाई की है सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय ने तो वो की है गोडावण पक्षी के लिए की गई है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत है वो किस जिले में की गई है? तो इसमें ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा। तो ये किस जिले से की गई है? तो ये की गई है कोटा के अंदर से। ठीक है, और नेक्स्ट है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में एशिया ओशेनिया अल्ट्रा मैराथन चैंपियनशिप 2024 में प्रदेश के अमर सिंह ने कौन सा पदक है वो जीता है? तो फटाफट से आप इनका आंसर कमेंट में देना कि इनका जो अमर सिंह ने कौन सा पदक है वो जीता है। ठीक है, अमर सिंह ने पदक जीता है, स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जयपुर में राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कब किया गया? तो इसमें ऑप्शन है 1 अप्रैल 2024, 5 अप्रैल 2024 और 14
ये 14 मार्च से अप्रैल नहीं है, 14 मार्च 2024 और 18 मार्च 2024। अपने जो व्याख्या से जो क्लास ली थी, वीकली क्लास होती है, उसमें मैंने 14 अप्रैल बता दिया था। तो आप वहाँ ये वहाँ से आप कट करके 14 मार्च कर लेना, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन है वो है 14 मार्च 2024। ठीक है, ये अप्रैल नहीं है, 14 मार्च है। ठीक है, डिकर पिकल बॉल ओपन चैंपियनशिप में वंश रुहेला ने कौन सा पदक है वो जीता है। जो डिकर पिकल बॉल ओपन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, उसमें वंश रुहेला ने कौन सा पदक है वो जीता है। तो इसमें ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। तो वंश रुहेला ने जीता है, गोल्ड मेडल जीता है डिकर पिकल बॉल ओपन चैंपियनशिप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताना है अपन को। तो इसमें ऑप्शन है मंजू बाला हेमरथ्रो से, इन्होंने रजत पदक जीता है, और प्रिया गुर्जर तीरंदाजी से हैं, और रजत चौहान निशानेबाजी से, और नितेक जांगिड़ भारोत्तोलन से। तो इसमें जो अपन करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रजत चौहान हो जाएगा, क्योंकि रजत चौहान का संबंध है वो तीरंदाजी से है, तीरंदाजी जिनका संबंध है, और इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो राजस्थान के अंदर गुलाबी गणगौर है वो कहाँ मनाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन है नाथद्वारा, राजसमंद, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है गुलाबी गणगौर, तो ये प्रसिद्ध है नाथद्वारा, राजसमंद की जो गुलाबी गणगौर है वो प्रसिद्ध है, और जैसलमेर की गणगौर है वो बिना ईसर की जो सवारी होती है गणगौर की वो प्रसिद्ध है, और बीकानेर की जो बिना पार्वती की गणगौर की सवारी है वो प्रसिद्ध है, और जयपुर की शाही सवारी गणगौर की है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़ा यानी कि 15 दिन बाद मनाया जाता है। तो कौन सा त्योहार है जो होली के 15 दिन बाद मनाया जाता है। तो वो है शीतलाष्टमी, गुड़ला, गणगौर, अखे तीज। तो ये गणगौर का त्योहार है वो होली के 15 दिन बाद मनाया जाता है। ठीक है, और गोटियाबा मेला बढ़ता है, जो गोटियाबा मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है। तो इसमें ऑप्शन है उदयपुर में, फलोदी में, बांसवाड़ा में, और जोधपुर के अंदर। जो गोटियाबा मेला है वो कहाँ बढ़ता है, फटाफट से आप इसका आंसर कमेंट में बताओ, ये मेला कहाँ बढ़ता है। तो गोटियाबा मेला है वो बढ़ता है बांसवाड़ा बारी गांव के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी गई है। तो ये 1 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए की है। तो इसमें ऑप्शन है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से बढ़ाकर अभी 5 लाख रुपए है वो कर दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलवाड़ा में 5 अप्रैल से 19 अप्रैल 2024 तक किस लोक देवता की समाप्ति में पशु मेले का आयोजन है वो किया जाता है। तो किस जो लोक देवता की समाप्ति में पशु मेला है वो 9 अप्रैल, 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक आयोजन है वो किया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन है तेजा जी, मल्लिनाथ जी, तलीनाथ जी और रामदेव जी। जो मल्लिनाथ जी लोक देवता है इनकी समाप्ति में जो मल्लिनाथ पशु मेला है वो तिलवाड़ा के अंदर 5 अप्रैल से 19 अप्रैल 2024 तक मनाया जा रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस से संबंधित अपन को असत्य कथन बताना है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो सीआईएसएफ की स्थापना है ये 10 मार्च को की जाती है, ये भी सही है। धूम्रपान निषेध दिवस है ये 9 मार्च को मनाया जाता है, ये भी सही है। और विश्व होम्योपैथी दिवस है ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी सही है। और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है, 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के सबसे बड़े किस सांस्कृतिक मंच का 31वां स्थापना दिवस है वो मनाया जा रहा है। जो हाल ही के अंदर राजस्थान में सबसे बड़े सांस्कृतिक मंच का 31वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया, तो वो कौन किन का मनाया गया है। पश्चिमी कला केंद्र उदयपुर और ललित कला केंद्र उदयपुर, और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर। तो ये जो 31वां स्थापना दिवस था ये था जवाहर कला केंद्र उदयपुर जयपुर का। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शेखावटी के पहले रोपवे की शुरुआत कहाँ की गई है? जो शेखावटी में रोपवे की शुरुआत है वो की गई है, तो वो कहाँ की गई है? तो सुंदा माता मंदिर, जीण माता मंदिर और सावित्री माता और मनसा पूर्ण करणी माता, तो कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है शेखावटी में, पहले रोपवे की शुरुआत की गई है जीण माता मंदिर में की गई है। ये राजस्थान का तो सातवां रोपवे है और शेखावटी का पहला रोपवे स्थापित यहाँ पर जीण माता मंदिर में रेवासा शिखर के अंदर किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड के पटाया में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पलक चौहान ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है, ऑप्शन है स्वर्ण, रजत और कांस्य, तो इन्होंने स्वर्ण पदक है वो जीता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलडोर महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया जाता है? फुलडोर महोत्सव का आयोजन तो रामद्वारा, शाहपुरा, ब्यावर, भीलवाड़ा, उदयपुर, तो अपन इनका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फुलडोर महोत्सव है वो मनाया जाता है रामद्वारा, शाहपुरा के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? जो केला देवी का मेला है इनका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन है स्वाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर और हिंडोन सिटी, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, करौली के अंदर केला देवी मेले का आयोजन है वो किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूंघट, घूघड़ी, बांद्रा, इमली आदि ये क्या है? तो ये आभूषण के नाम है या शाही पगड़ियों के नाम है या मेहरानगढ़ किले की मेरे की तोपों के नाम है या तारागढ़ दुर्ग की प्राचीर की विशाल बुर्जे हैं? तो ये जो इनका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा घूंघट, घूघड़ी और बांद्रा इमली, ये तारागढ़ दुर्ग की प्राचीर की विशाल बुर्जे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असम्मिलित कथन बताना है अपन को, तो इसमें जो रामबाण तोप है ये मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर रखी है और गर्भ गुंजन तोप है ये तारागढ़ दुर्ग के अंदर रखी गई है और जयबाण तोप है ये जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी गई है और हुंकार तोप है ये रखी गई है शेरगढ़ दुर्ग के अंदर, शेरगढ़ दुर्ग के अंदर, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी की स्थापना है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? तो इनकी स्थापना है वो की गई 1963 में, 1997 में, 1986 में, 1950 में, तो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 1997 में जो ललित कला अकादमी की स्थापना है वो की गई। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 से 13 अप्रैल 2024 को उदयपुर में किस महोत्सव का आयोजन है वो किया जा रहा है? जो 11 से 13 अप्रैल 2024 को उदयपुर के अंदर महोत्सव का आयोजन है वो किया जा रहा है, तो किस महोत्सव का आयोजन है वो किया जा रहा है? तो इसमें मेवाड़, थार, कबीर और फुलडोल, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, मेवाड़ महोत्सव का आयोजन है वो 11 से 13 अप्रैल 2024 उदयपुर के अंदर है वो किया जा रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट सेवा तथा उपलब्धियों के लिए किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित है वो किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है, ऑप्शन है डॉक्टर ललित सिंह झाला, डॉक्टर प्रभात कुमार सिंगल, टिन्नू आनंद और मुकेश कुमार व्यास, तो ये सम्मानित किया जा रहा है, ये डॉक्टर प्रभात कुमार सिंगल को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी ने कला प्रवास श्रृंखला के तहत शक्ति संगीत और नृत्य का एक उत्सव में देश के 9 स्थानों में से राजस्थान के किस शहर को चिन्हित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है जोधपुर, कोटा, उदयपुर और जयपुर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर में जो केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी ने कला प्रवास श्रृंखला के तहत शक्ति संगीत और नृत्य का एक उत्सव प्रदेश के 9 स्थानों पर किया गया था, इसमें राजस्थान का शहर है उदयपुर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलगांव में आयोजित 20वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता में प्रदेश की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, जो महिला वर्ग ने जीता है स्वर्ण पदक है वो जीता है और इसी में जो पुरुष वर्ग ने जीता है कांस्य पदक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल तैराकी प्रतियोगिता में योग्या सिंह ने कौन सा पदक है वो जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, तो इन्होंने जीता, योग्या सिंह ने जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान नेत्रहीन विद्यालय के दो पैरा विद्यार्थियों ने 23वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में कितने पदक हैं वो जीते हैं? तो इसमें ऑप्शन है एक स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 2 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक, 3 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इसमें 5 स्वर्ण पदक है, 5 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक है वो जीता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निशानेबाज दिव्यांग सिंह पमाल ने काहिर मिशन में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में आयोजित 10 मीटर राइफल्स में कौन सा पदक है वो जीता है? तो इसमें ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक है, गोल्ड मेडल है वो जीता है। ठीक है, और नेक्स्ट है, लोक संस्कृति शोध संस्थान कहाँ स्थापित की गई है, स्थित है? जो लोक संस्कृति शोध संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन है चूरू, सिरोही, दौसा और करौली। तो ये चूरू के अंदर लोक संस्कृति शोध संस्थान है वो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का गांधी कहा जाता है जयनारायण व्यास को, गोकुल भाई भट्ट को, भोगीलाल पांड्या को और माणिक्य लाल वर्मा को। तो ये ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा जयनारायण व्यास को, मारवाड़ का गांधी है वो कहा जाता है। ठीक है, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से है किसे जाना जाता है? तो कैलाश सांकला को, राजेंद्र सिंह को, कैलाश किशन लाल सोनी को और नरहर के पीर को। तो ये किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कैलाश सांकला को, टाइगर मैन ऑफ इंडियन के नाम से जो कैलाश सांकला है इनको जाना जाता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले अपन जो आपको व्याख्या सहित वीडियो चाहिए तो आप अपना यूट्यूब चैनल है GD कैंप्स, यहाँ पर आपको व्याख्या सहित डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो आपको डेली करंट अफेयर्स के वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आपको पैनल फाइल जो व्याख्या सहित है वो आपको चाहिए फाइल, तो अपना टेलीग्राम चैनल है GD कैंप्स, यहाँ आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको डेली जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है उनकी फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और डेली करंट अफेयर्स की क्लास GD कैंप्स पर लगती है जो व्याख्या सहित होती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।